तो देखिए फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल आज रात से स्टार्ट होने वाली है। 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर है, लेकिन आज रात तो 9 ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हैं तो प्लीज फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर वालों के लिए आज रात से ही दिवाली सेल स्टार्ट हो जाएगी और आप आज रात 12 बजे से ही सामान खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो दिवाली सेल है, पहले ही फ्लिपकार्ट ने निकाल दिया है, लेकिन उम्मीद था कि अभी लेट से निकलेगा। तो इस बार फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में फ्रेंड्स, जो पिछले बिग बिलियन डेज और दशहरा सेल दोनों ही समाप्त हो चुका है, और आज फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल स्टार्ट होने वाला है। और इसमें आपको SBI क्रेडिट कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, और देखिए इसमें 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक भी मिल सकता है आपको इस दिवाली सेल में। लेकिन दुख की बात यह है फ्रेंड्स कि इस बार जो है iPhone 13 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। iPhone 13 दिखा नहीं रहा है, कहीं पे भी टैग किया जाता है, जैसे इस बार जो है मात्र iPhone 11 को टैग किया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मोबाइल सीरीज में मैंने जितने भी देखा तो इसमें iPhone 13 को टैग नहीं किया गया है। iPhone 11 है जो इस पर मतलब सुन आ रहा है, इस पर ऑफर आ सकता है, तगड़ा ऑफर। तो देखिए iPhone 13 को अभी तक टैग नहीं किया गया, और जो अभी भी फिलहाल में जो फ्रेंड्स अभी जो देख रहे हैं, अभी जो फिलहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 128 GB iPhone 13 का जो रेट चल रहा है 59,990 चल रहा है, यानी 59,990 रुपया अप्रॉक्स 60,000 रुपये है। लेकिन इसमें आपको 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट इसमें दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए अभी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा है फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले इसमें 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिखा रहा था, तो अभी 60,000 के अप्रॉक्स में दिखा रहा है। लेकिन देखते हैं इसमें दिवाली सेल में कुछ कम होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन हमको नहीं लगता कि इसमें जो मतलब कस्टमर ने जो अप्रॉक्स मतलब मन में बना रखा है कि आईफोन का मतलब प्राइस कम होगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ये रात के 12 बजने के बाद ही पता चलेगा कि इस फ़ोन पे कुछ डिस्काउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से बैक कर लेते हैं, और अगर आप आईफोन 11 को लेना चाहते हैं तो 11 में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, और अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तब भी आप कुछ बचा सकते हैं, 1500-1700 रुपये तक तो मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप आईफोन छोड़ के अगर कोई दूसरा फ़ोन लेना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपने फाइनली सोचा है कि मुझे आईफोन ही लेना है और वो भी कम प्राइस में, तो ऐसा अनुमान तो नहीं लग रहा है, तो फिर से आपको दुखी होना पड़ सकता है। और भी फ्लिपकार्ट ने पहले ही कस्टमर के साथ जो धोखा दिया है, तक ऑफ़र के नाम पे धोखा दे दिया और प्राइस बहुत स्पीड में बढ़ा दिया था पिछली बार, और कस्टमर ने चाह करके भी नहीं ले पाया था। तो फ्रेंड्स, अगर इस बार आप आईफोन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि रात 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है। और अगर फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हैं तो आप ऑलरेडी आपको हर चीज़ पता ही है, और अगर आप फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हैं या नहीं है